राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा से उन्हें फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। बेशक राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ने के लिए जरूर निकाली हो इसी मकसद के साथ, लेकिन इस यात्रा के दौरान गठबंधन साथी कांग्रेस से टूटने लगे हैं। पहले ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए तो अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। गठबंधन टूट रहा है, राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं, साथी अलग हो रहे हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे विपक्ष का दूर दूर तक वास्ता नहीं। देश को जोड़ना है, सबको एक साथ लाना है और पूरे देश में ये जो नफरत का बाजार इन लोगों ने खोल रखा है इसको बंद करना है और मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल ली है। राहुल गांधी सबको एक साथ लाने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से अपने ही दूर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इसलिए खफा हैं क्योंकि उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता नहीं मिला, और अखिलेश यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा तक नहीं भेजा, और यही वजह है कि अब विपक्ष के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। जरा कोनो दिन चाय दुकान में बसे ही नहीं, चा बनाते जाने ही ना, বাচ্চাদের আদর করেই নি, শিশু বলতে কি বোঝেই না, বিড়ি বাদ্যে জানেই না কোনোদিনও, বিড়ির বদলে অন্য কিছু হয়তো খায়, খেতেই পারে, আমাদের গ্রামীণ লোকেরা অনেকে বিড়ি খায়। রাহুল ভালে হি ভারত জোড়নে নিকলে হো, লেকিন উনকি ইস যাত্রা কে বীচ হি গঠবন্ধন টুটনে লাগা হে, তো দূসরি তরফ রাহুল কে উস অবতার পর ভি নিশানা সাধা জা রাহা হে, জিসমে ও ঝাড়খণ্ড কে দেবঘর মে পূজা করনে পৌঁছে থে। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राहुल गांधी न घर के हैं और न घाट के। ऐसा है ना, ये घर के हैं ना घाट के हैं। अब पहले आप इन्होंने जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा दिखाने की कोशिश की, रूम में टोपी, रोड पे तिलक का जो है वो तांडव किया, माहौल बनाया, नाटक किया, और अब जो है वो सामंती सूरमा बनने, अब जो है वो सनातनी सूरमा बनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उन्हें समझ लेना चाहिए कि वो सोचते हैं कि हम इससे जो है वो बीजेपी की कार्बन कॉपी बन जाएंगे, तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हैरानी की बात तो ये है कि जब राहुल गांधी देवघर में पूजा पाठ कर रहे थे उसी समय मोदी मोदी के नारे लगने लगे, जिस पर राहुल गांधी झेप गए और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। यानी राहुल गांधी की इस यात्रा के अब अलग अलग रंग दिखने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ गठबंधन सहयोगी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला, तो दूसरी तरफ जनता इस बात से कंफ्यूज है कि राम विरोधी राहुल गांधी मंदिर में क्या कर रहे हैं। और इसी आपाधापी के बीच अब भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर होने वाली है, जहाँ अखिलेश यादव स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।